सब्सक्राइब कीजिए टेक्निकल सपोर्ट चैनल को और बेल आइकन को दबाइए लेटेस्ट टेक्नोलॉजी वीडियोस सबसे पहले देखने के लिए। नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका टेक्निकल सपोर्ट चैनल में। दोस्तों, काफी दिनों से लोग वेट कर रहे हैं एमआई A2 का। जब से चाइना में एमआई 6X लॉन्च हुआ है, Xiaomi एमआई X को ही इंडिया में एमआई A2 के नाम से लॉन्च करने वाला है। लेकिन ये इंडिया में कब लॉन्च होगा इसका अब तक कोई कंफर्मेशन नहीं था। लेकिन आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ दो गुड न्यूज। सबसे पहली न्यूज आपके लिए ये है कि Xiaomi ने 24 जुलाई को स्पेन में एक ग्लोबल लॉन्च इवेंट ऑर्गेनाइज किया है और Xiaomi इस इवेंट में लॉन्च करने वाला है एमआई A2। और अगर आपको इसी वेरिएंट में चाहिए इससे सस्ता स्मार्टफोन, तो आपके लिए दूसरी गुड न्यूज है कि एमआई A2 के साथ एमआई A2 लाइट को भी Xiaomi लॉन्च कर रहा है इसी इवेंट में। दोस्तों, ये एक पक्की खबर है क्योंकि पोलैंड के yes.com साइट पर इन दोनों स्मार्टफोन को लिस्टेड किया गया है। तो आज हम बात करेंगे इसी फोन के बारे में, इसके स्पेसिफिकेशन के बारे में, इसके प्राइस के बारे में। और अगर आप भी जानना चाहते हैं इस फोन के बारे में और ज्यादा, तो बने रहिए हमारे साथ इस वीडियो में। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको रिक्वेस्ट करता हूँ कि अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज अभी सब्सक्राइब करें, क्योंकि हम हर रोज आपके लिए लेकर आते हैं इंटरेस्टिंग टेक्नोलॉजी वीडियोस। तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले पाने के लिए वीडियो के नीचे रेड कलर का सब्सक्राइब बटन है, उस पर क्लिक करें और बाजू में घंटी का आइकॉन दिख रहा है उस पर भी क्लिक करना ना भूलें। दोस्तों, Xiaomi ने पहली बार इंडिया में स्टॉक एंड्रॉइड के साथ अपना एमआई A1 लॉन्च किया था। यह स्मार्टफोन इंडिया में काफी पॉपुलर हुआ और इसकी सेल भी काफी अच्छी रही। स्टॉक एंड्रॉइड के साथ इस फोन का परफॉर्मेंस भी काफी अच्छा रहा और अब आपको स्टॉक एंड्रॉइड का एक्सपीरियंस एमआई A2 के इस फोन में भी देखने को मिल जाएगा। दोस्तों, इसके स्पेसिफिकेशन की बात करें तो एमआई A2 में आपको 5.99 इंच का फुल एचडी प्लस डिस्प्ले देखने को मिलेगा 18:9 एस्पेक्ट रेशियो के साथ। दिखने में ये फोन काफी हद तक रेडमी नोट 5 प्रो जैसा दिखता है। इसमें 2.2 गीगाहर्ट्ज़ क्वालकॉम का स्नैपड्रैगन 660 प्रोसेसर दिया गया है। ऑपरेटिंग सिस्टम की बात करें तो इसमें एंड्रॉइड 8.1 ओरियो दिया गया है। इसमें 4GB रैम के साथ 64GB का स्टोरेज मिल सकता है और 6GB के साथ 128GB का स्टोरेज मिल सकता है। लेकिन दोस्तों, इस फोन में आपको नॉच नहीं मिल पाएगा, ये याद रखें। अब बात करते हैं कैमरा की, तो इस फोन में कैमरास के बारे में काफी इंप्रूवमेंट देखने को मिलती है। इसमें 12MP प्लस 20MP का ये आई-रियर ड्यूल कैमरा सेंसर दिया गया है जो f/1.8 अपर्चर के साथ आता है। फ्रंट में आपको मिलेगा 20MP का कैमरा जो कि Redmi Note 5 Pro में इसका काफी अच्छा परफॉर्मेंस रहा है। यही कैमरा आपको इस फोन में भी देखने को मिलेगा, आप इसमें सेल्फी का अच्छा मजा ले सकते हैं और ये फेस अनलॉक फीचर के साथ आता है। अब बात करते हैं इसके प्राइस की, तो चाइना में लॉन्च हुए एमआई X6 के कंपेयर ये फोन 17,000 की रेंज सेगमेंट में आ सकता है। दोस्तों, एमआई A1 का ये सक्सेसर है तो एमआई A1 जैसा अच्छा रिस्पॉन्स इंडिया में इसे भी मिल सकता है। अब बात करते हैं एमआई A2 लाइट की, तो लगता है Xiaomi ने Redmi 6 Pro को यहाँ पर कॉपी किया है। इसके स्पेसिफिकेशन की बात करें तो एमआई A2 लाइट में आपको 5.84 इंच का फुल एचडी प्लस डिस्प्ले मिलेगा 19:9 एस्पेक्ट रेशियो के साथ। इसमें सबसे अच्छी बात यह है इसके डिस्प्ले में आपको नॉच मिलेगी। एमआई A2 लाइट में आपको क्वालकॉम का स्नैपड्रैगन 625 प्रोसेसर मिलेगा। इसमें 4GB रैम के साथ 64GB का स्टोरेज मिलेगा। अब बात करते हैं कैमरा की, तो इस फोन में 12MP प्लस 5MP का रियर ड्यूल कैमरा सेंसर दिया गया है और फ्रंट में आपको मिलेगा 5MP का कैमरा, मतलब आपको इसमें सेल्फी का मजा नहीं आएगा। इसमें 4000mAh की बैटरी दी गई है और Redmi 6 Pro के कंपेयर ये फोन 12-13 हजार के रेंज सेगमेंट में आ सकता है और ये स्मार्टफोन अब तक के नॉच वाले स्मार्टफोन में सबसे सस्ता स्मार्टफोन हो सकता है। एक और अच्छी बात इसमें यह है कि ये स्टॉक एंड्रॉइड के साथ आता है। अब देखने वाली बात यह है कि इंडिया के लोग इसे कितना पसंद करते हैं, क्योंकि Redmi Y1, Y2, Redmi 6 Pro को इंडिया में अच्छा रिस्पांस नहीं मिला था। तो दोस्तों, आपको क्या लगता है इन दोनों ही फोन्स के बारे में, हमें कमेंट में जरूर बताइएगा। और अगर आपको यह वीडियो पसंद आया तो लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। और अगर आप चाहते हैं ऐसी और वीडियोस देखना तो चैनल को सब्सक्राइब करें। आज का वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगले वीडियो में मिलते हैं एक और नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।